जर्मनी में पुलिस ने एक सीरिया युवक को आईएसआई से जुड़े होने और आतंकी हमलों की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 22 साल के जाबिर अलबकर को लिप्जिंग शहर में दो दिन की खोजबीन के बाद गिरफ्तार किया गया है। जाबिर पिछले साल एक शरणार्थी के रूप में जर्मनी आया था और तब से ही सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। उसके पास से 400 ग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने कहा है कि वह अपने गैलेक्सी नोट 7 की बिक्री को रोक देगी। सैमसंग ने उपभोक्ताओं से भी इस मोबाइल फोन डिवाइस का इस्तेमाल न करने की अपील की है। खराब बैटरी की वजह से सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। दक्षिण अफ्रीका में कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पिछले हफ्ते प्रदर्शनों के बाद बंद की गई यूनिवर्सिटी ऑफ फिटवाटर सैंड्स के दोबारा खुलते ही छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज बस को पलटने की कोशिश भी की। चीन के ज़ेजियांग प्रोविंस के बेंजुंग शहर में 4 इमारतों के एक साथ गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दबे लोगों को निकाला जा रहा है। मलबे से 5 साल की बच्ची को भी निकाला गया। पिछले साल तुर्की में पीस रैली के दौरान धमाकों में मारे गए लोगों की याद में निकाली गई रैली के उग्र होने के बाद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। पिछले साल 2 धमाकों में 107 लोगों की मौत हो गई थी। जेरूसलम में पुलिसकर्मियों पर हमला कर एक आम नागरिक और पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक फिलिस्तीनी युवक पर सड़क पर खड़े लोगों और पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। बाद में जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया था। डोनाल्ड ट्रंप का अटलांटिक सिटी में ताजमहल नाम का कसिनो सोमवार को बंद हो गया। कसिनो की शुरुआत 26 साल पहले हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में बैंकरप्सी और कर्मचारी यूनियन के साथ विवाद के चलते इसे बंद कर दिया गया। कसिनो के बंद होने से 3,000 लोगों की नौकरी पर असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में सुरक्षा कर्मियों और तालिबानी आतंकियों के बीच लश्करगाह शहर के बाहर मुठभेड़ देखने को मिली। इससे पहले आतंकियों ने कार बम धमाका किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी फिर से सक्रिय हो गए हैं। 30 सितंबर को किए वादे को पूरा करने के लिए फ्रांस के फाइटर प्लेन्स ने समुद्र में तैनात चार्ल्स डिग्वेला एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी। फ्रांस के रक्षा मंत्री जीन येवेस लेद्रेन ने 30 सितंबर को कहा था कि इराकी शहर मौसूल से आईएस को खदेड़ने के लिए वो जल्द ही हवाई बमबारी शुरू करेंगे। ये बमबारी उसी के तहत शुरू की गई। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में फैली आग से 300 एकड़ का इलाका प्रभावित हुआ है। राहत कर्मी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आग से किसी बड़े नुकसान का पता नहीं चला है।